कहाँ जा रहे हैं गोलू? स्कूल। मैम आई थी तो उन्होंने बच्चों के मानसिक विकास के बारे में बताया कि उनका मानसिक चांद को देख के अलग ही फीलिंग आ रही है। और गर्वित ले जा रहा है एलिफेंट वाली स्लेट, क्योंकि वहीं से लेके आया था इसको। चलो फिर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये देखो ये कैसा कर रहा है। और दोस्तों नए दिन की नई शुरुआत के साथ मैं तनु करके आप सभी लोग का एक बार फिर से अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। और मैं आज अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ 11 बजे से, क्योंकि अभी तक काम में बिजी थी तो ब्लॉग नहीं बना पाई। और अभी हम जा रहे हैं आंगनबाड़ी। कहाँ जा रहे हैं गोलू? स्कूल। तो आंगनबाड़ी जाना है और हम जा रहे हैं, पहुँचने वाले हैं, तो मैं मिलती हूँ अभी थोड़ी देर के बाद। हेलो दोस्तों, तो मैं आ गई थी अभी आंगनबाड़ी से, आगे आ गई थी। फिर गोलू थोड़ा परेशान कर रहा था और घर आके उसको खाना खिलाया, हम लोगों ने भी खाया। और आज आंगनबाड़ी में वो बाहर से कोई मैम आई थी तो उन्होंने बच्चों के मानसिक विकास के बारे में बताया कि उनका मानसिक विकास हम कैसे कर सकते हैं। वैसे तो खासकर सब लोग जानते ही हैं कि हमें अपने बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन फिर भी बच्चों को जो है 0 से 6 साल के बच्चे होते हैं उनका 90% मानसिक विकास हो जाता है और वो बहुत तेज़ी से होता है इस टाइम पर। जो ये एज होती है बच्चों का मानसिक विकास इस टाइम पर बहुत तेज़ होता है, तो हमें उसका जो और हमें उनको थोड़ा मैनर सिखाना है। तो एक नंबर दिया है हमें जिस पे हमें 6 महीने तक का उस नंबर पे कॉल आएगी और मैं वो भी नंबर आप लोग के साथ नीचे शेयर कर दूँगी। और उस नंबर पे आप मिस कॉल दीजिए, मतलब आप कॉल करिए, वो एक रिंग जाएगी, नंबर खुद कट जाएगा, उसके बाद आप लोग को वो कॉल बैक आएगा। और जब बैक आएगा तो उसमें वो वेलकम नंबर होगा, तो आप जैसे जैसे वो बोले आप उस चीज़ को फॉलो कीजिए। आपको पहले अपने बच्चे की जो एज है वो एज को सेलेक्ट करना है कितने से कितने साल का है, और वो 0 से वैसे 6 साल तक के लिए है, तो आपका बेबी अभी जितने साल का है तो आप उसी एज को पहले सेलेक्ट कीजिए। उसमें 1, 2, 3 ऐसे जो नंबर आएंगे आप उसमें से सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद फिर वो आपको फ़ोन करेंगे हफ्ते में, जैसे कि मैम ने बताया था कि हफ्ते में वो आपको 4 दिन कॉल करेंगे और आपको बताएंगे कि आज आप बच्चों के साथ ऐसी एक्टिविटी कीजिए तो बच्चा उससे सीखेगा। कि आजकल के बच्चे बहुत है ना, जैसे मेरा गोलू खुद ही है, वो बहुत ज़िद्दी है, जो चीज़ उसको चाहिए तो चाहिए बस, उसके लिए फिर वो नीचे कहीं पर भी लेटना, बच्चे वही चीज़ करते हैं। तो वही चीज़ हमें इसमें बताई जाएगी कि हम अपने बच्चों पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान कैसे दे सकते हैं, बच्चों को मैनर्स सिखाना। और तो फिर उसके बाद आप उनके कॉल को कब सुनेंगे वो टाइम भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसमें हमें 4 टाइम दिए गए हैं, तो 4 टाइम में से जो आपको बेटर लगता है, जिस टाइम पे आप उनकी कॉल को सुन सकते हैं ले सकते हैं, वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, 2 या 3 मिनट के लिए वो कॉल आएगी, तो आप उसको ज़रूर सुनिए। और वो आपके बच्चे के लिए और आपके लिए दोनों के लिए काफ़ी अच्छी है, मतलब सही रहेगी। तो फिर उसके बाद आप टाइम सेलेक्ट कर दीजिए, बस फिर आपको कुछ नहीं करना है। आप इस नंबर को सेव भी कर लीजिए अपने फ़ोन पे, क्योंकि मैम ने जैसे बताया था कि आजकल काफ़ी फ्रॉड चल रहा है आंगनबाड़ी के नाम से भी, तो हमें जब भी कॉल आएगा इसी नंबर से आएगा और आप इस नंबर को अपने फ़ोन पे दोस्त या परवरिश के नाम से भी सेव कर सकते हैं। और जैसे कि क्या कहते हैं, मैं आई जब तो वहाँ से मैं सोच रही ये काम भी है वो काम भी है, पर आपको पता ही है मैं अकेले कुछ नहीं करती, सब लोग हम मिलके करते हैं। लक्कू ने सारे कपड़े छत पे धूप में फैला दिए थे और गज्जू ने पोछा ओछा कर लिया था और थोड़ा बहुत करना था वो कर रहे थे। और फिर मैं आई, थोड़ी देर को खाना खिलाया, फिर हम थोड़ी देर बैठे थे, हमने भी अभी खाना खा लिया। अब हमारा वैसे लंच हो ही गया है और अब आएगी खुशी। अभी टाइम हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 1:20 हो रहा है, तो अभी फिर मैं खुशी को लेने भी जाऊंगी, नीचे पे ही जाऊंगी खुशी को लेने। और आज मैं ना आंगनबाड़ी पे थोड़ा वीडियो क्लिक नहीं कर पाई क्योंकि अब बहुत सारे लोग भी बैठे थे, बात सुनना पहले बहुत ज़रूरी था, ये नहीं कि बस अपना कैमरा लिया और स्टार्ट हो गए। हम वो बात को हम समझ चुके हैं, ये हम समझ गए और मैं वो उस चीज़ को आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और ख़ास करके जिनके अभी छोटे बच्चे हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से मेरी फैमिली में भी ऐसे हैं कि जिनके छोटे बच्चे हैं
तो हम क्या करते हैं, कभी उनको डांट भी देते हैं, कभी उनकी बात को कम सुनते हैं। छोटे हों या बड़े बच्चे हों, जैसे जी उससे छः है, मेरी गोलू है, मेरी खुशी है, तो दोनों मेरे को क्या करना है, उन दोनों की बात को सुनना है, ये नहीं कि इग्नोर कर दिया। हमें जो ये कॉल आएगी इसमें भी हमें बहुत कुछ सीखने को हमें भी मिलेगा, और हम बच्चों को इसी खेल खेल में सिखाएंगे, और जितना हो सके उतना हमें अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, और हम भी करते हैं, और जो चीज़ हम कर रहे हैं वो चीज़ बच्चे भी करेंगे। आज तक मेरी खुशी कभी कैमरे के सामने नहीं आती थी, बहुत कमाती थी, लेकिन अब वो मेरे को देख रही है कि मेरी मम्मी कंटिन्यू ब्लॉग बनाती है, वीडियो बनाती है, तो वो भी कहती है कि मम्मी मेरी फ़ोटो खींचो, मेरा भी वीडियो बनाओ, मैं ऐसा बोलती हूँ मम्मी या आप ऐसा बोलो, तो बहुत कुछ कहती है, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, और हम जैसा करेंगे बच्चे वैसा ही सीखेंगे। तो इसलिए हमेशा अपना नेचर, अपना बिहेवियर ऐसा रखें ना कि बच्चे वो चीज़ सीखें और वो अच्छा ही हो। तो और इसके बारे में अभी मैं ज़्यादा क्या कहती हूँ, आप जो मैंने आपको अभी नंबर स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, वो नंबर आप डायल कीजिए, सेव भी कर लीजिए, और उस चीज़ को थोड़ा फॉलो करिए। अभी जो आपको वेलकम कॉल आएगी उसमें जो आपको कहेंगे, तो उस चीज़ को फॉलो करके आप फिर आगे अपनी जर्नी बच्चे के साथ कंटिन्यू कीजिए, और इससे क्या होगा, हमारा जो आपसी तालमेल है बच्चों का वो भी बढ़िया बनेगा, और हमारे बच्चों के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनेगी। तो मैं चल पड़ी खुशी को लेने के लिए, और जाती हूँ नीचे पे ही। तो मैं पहुँच चुकी हूँ बावनडांट, और अभी 1:40 हो रहा है। खुशी की बस थोड़ी देर में आने वाली होगी, आज रेनू भाभी भी नहीं पहुँचे हैं, अभी शायद पीछे से आ रहे हैं। और भाकड़ा में पानी भी ठीक ही है थोड़ा, अभी मैं चलती हूँ पानी में, पैर में थोड़ी दर्द हो रही ना, तो पानी ठंडे पानी से दर्द सही होता है कहते हैं, तो मैं घूम के आती हूँ। तो खुशी घर आ चुकी है, और उसको आते ही क्या मिल गया, दिखाओ खुशी, क्या मिला दिखाओ। अब चीज़ मिला है, उसमें कुछ है नहीं, कोई बात नहीं। तो अब मैं खुशी को खाना खिलाती हूँ, और उसके बाद उसको रेस्ट करवाती हूँ। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो अपने ब्लॉग को कंटिन्यू काफ़ी देर के बाद कर रही हूँ, और अभी शाम के 6 बज रहे हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ सनसेट। ये देखिए दोस्तों, सूरज कितने लाल लाल दिखाई दे रहे हैं ना, अभी सूर्यास्त हो रहा है। और आज कपड़े धोए थे ना, धूप भी बहुत थी, तो सुबह कपड़े धोए थे, और बाद में वो लोगों ने छत पर डाल दिए। फिर दिन में बारिश का मौसम तो हो ही रहा था, काफ़ी देर तक नहीं सोए थे, लेकिन कब आँख लग गई पता भी नहीं चला, आँखों में आई ड्रॉप डाली, तो उसके बाद नींद भी आ गई थी, और वही 4 बजे के आसपास नींद खुली। तो फिर उस टाइम पर मौसम सही था, हमने फिर मैंने सोचा कि कपड़े बाद में ही उठाएंगे, अब जो अच्छे से नहीं सूखे होंगे वो भी सूख जाएंगे, क्योंकि धूप थी, और आज मौसम साफ़ है। और आहा, हमारा चाँद दिख रहा है, आपको चाँद दिखाते हो, देखिए दोस्तों चाँद। तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं, अभी मैंने जैसे बताया था आपको, एक साइड से सूर्यास्त हो रहा है, और एक साइड हमारे चंदा मामा भी चल पड़े हैं। और अभी मैं कपड़े भी उठाती हूँ, और आज शाम को हम काफ़ी दिनों के बाद कद्दू की सब्ज़ी खाएंगे। कद्दू की सब्ज़ी मेरी फेवरेट है, एक कद्दू की सब्ज़ी होगी और एक लिंगोड़े होंगे, मुझे बहुत पसंद है लिंगोड़े, मेरे को पहले उतने अच्छे नहीं लगते थे, अब काफ़ी पसंद हैं। और मम्मी ना ऐसी गाढ़ गधेरे से कुछ और एक सब्ज़ी और है, अब उसकी उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, मम्मी वो सब्ज़ी भी लेके आती थी, तो वो भी काफ़ी टेस्टी होती थी। अब मैं मम्मी से किसी टाइम पूछूंगी। और अभी मैं पहले कपड़े उठा लेती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ी देर आप लोगों से यहीं पर बातें करूँगी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छा हो रहा है, हल्की ठंडी हवा आ रही है, तो अच्छा लग रहा है। और गर्वित भी हमारा छत पर आ गया ठंडी ठंडी हवा खाने। तो दोस्तों, हेलो दोस्तों, खुशी आपको कुछ बता रही है, बताओ खुशी क्या बता रहे हो। रॉकेट कहाँ है, रॉकेट वो है वहाँ, कहाँ जो
चंदा मामा के वहाँ। ओहो तो देखो रॉकेट वहाँ से ना, तो मैंने कहा था ना चंदा मामा को बताने गए, वहाँ खुशी रहती है, गोलू रहता है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। अपने घर जा रहे हैं। हाँ। फिर देखो उसको दूध चाहिए। दूध चाहिए चंदा मामा को। हाँ। दोस्तों बच्चे कितने मासूम होते हैं ना। खुशी कह रही है, वो नीचे से मेरे को आवाज़ लगा रही थी कि चंदा मामा में रॉकेट गया है, तो मैंने उसको छत पर बुलाया और मेरे को वो अच्छे से बता रही है रॉकेट आया। रॉकेट? हाँ, चंदा मामा की चाँद पर भी। तो बच्चों को भी पता चल गया है कि हमारा झंडा पहुंच गया है, तो ये कितना अच्छा लग रहा है, और अभी चाँद को देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है। और ये 30 अगस्त को पूर्णिमा है, तो उस दिन हमें पूरा चाँद दिखाई देगा। ये गर्वित भी बता रहा है, आपको बताती हूँ मामा वहाँ। ये देखिए दोस्तों जुगनू, और जुगनू कैसा होता है आज लाइव दिख रहा है। गर्वित क्या है वो? जुगनू जुगनू जुगनू, ये तो आज चाँद को देख के अलग ही फीलिंग आ रही है। हम पहले भी देखते थे लेकिन ऐसी फीलिंग नहीं आती थी जैसी आज आ रही है, क्योंकि वहाँ पर हमारा चंद्रयान 3 है और वो वहाँ पर रिसर्च कर रहा होगा। तो खाना पीना भी हमारा बन चुका है, अब बस अभी आज काफ़ी टाइम है तो थोड़ी देर में खाएंगे। और अब क्योंकि अभी तक खुशी कर रही हूँ। क्या चाहिए, क्या चाहिए गर्वित को? पेन चाहिए, क्योंकि गर्वित भी अभी ना पढ़ाई कर रहा है। और जब तक खुशी का होमवर्क होता है तब तक मैं थोड़ी देर गोलू के साथ रहती हूँ, और फिर वो होमवर्क कर लेगी तो हम खाना पीना खा के टाइम से फिर बच्चों को सुला देंगे। और वैसे आज तो फिर मुश्किल है क्योंकि डांट डूट के ही सुलाना पड़ेगा, दिन में बहुत देर तक सोई है। तो ये देखो गोलू कर रहा है पढ़ाई। बोलो क्या लिख रहे हो? 1 2 तो गोलू की भी पढ़ाई चल रही है, मैं थोड़ी देर गोलू को पढ़ाती हूँ। तो दोस्तों अब अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और आशा करती हूँ आप लोगों ने मेरा ब्लॉग आज का एंजॉय किया होगा। तो अगर आपने मेरा आप लोग को मेरा ब्लॉग आज का पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, और बेल आइकन दबाना तो मत ही भूलिए। तो मैं फिर मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, स्वीट ड्रीम, टेक केयर।